नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको विटामिन डेफिशिएंसी और मानसिक बीमारियों के बारे में बताया था, और वही वीडियो में आज आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अलग अलग प्रकार की विटामिन डेफिशिएंसियों के कारण अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारियां होती है। हमने ऐसे बहुत स्टडी किया है जिसमें हमने ये देखा है कि अगर पेशेंट का माल न्यूट्रिशन हो, अगर पेशेंट को खाना नहीं दिया जाए बराबर, तो पेशेंट को आगे जाके अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारियां होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉग्निशन डैमेज होना। कॉग्निशन डैमेज होना मतलब थिंकिंग पावर डैमेज होना, इंटेलिजेंस कम होना, विचार की शक्ति बराबर न होना, अलग अलग प्रकार का चिड़चिड़ा स्वभाव बनना, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम होना, एंटी सोशल पर्सनैलिटी होना, ऐसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां, उसके साथ में मेमोरी प्रॉब्लम्स होना, पढ़ाई में ध्यान न लगना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम होना, ऐसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमको देखने मिलती है। अलग अलग प्रकार की विटामिन है, जैसे ए बी सी डी ई के, ऐसे अलग अलग प्रकार के विटामिन है जिसकी कमतरता के कारण पेशेंट को मानसिक बीमारियां हो सकती है। ये विटामिन के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हमने खाने में बराबर प्रमाण में लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आज फूड सैवी लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, खाली प्रोटीन्स खाएंगे, या फैटी एसिड्स नहीं खाएंगे, खाली प्रोटीन्स खाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग पद्धत है। अगर हमारे खाने में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स ना हो, तो पेशेंट को अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है, हमको अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिप्रेशन, अगर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स हम बराबर नहीं खाते तो हमको डिप्रेशन हो सकता है। साथ ही में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैटी एसिड के साथ में हम सोडियम पोटेशियम बराबर ले रहे हैं या नहीं, ये भी हमें देखना चाहिए। बराबर सफिशियंट मात्रा में नमक, पानी में नमक और पोटेशियम जो अलग अलग प्रकार के फूडस्टफ्स में हमको मिलता है, वो भी हमने अच्छे मात्रा में लेना चाहिए। साथ ही में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ऐसे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स है जो हमने खाने में बराबर प्रमाण में अगर हम लेते हैं तो हम अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। ये वीडियो के द्वारा मैं ये सभी लोगों को, जनता को बताना चाहता हूं कि हम कितना भी एक्सरसाइज करें, कितना भी हम फिगर के ऊपर ध्यान दें, फिटनेस के ऊपर ध्यान दें। बहुत सारे ऐसे कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ना है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आईटी सेक्टर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मैं काम के ऊपर ध्यान दूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, जंक फूड खाऊंगा। तो मेरा जो वीडियो का इंटेंशन है वो ये है कि आप अगर अच्छी मात्रा में खाना खाते हैं, विटामिन्स लेते हैं, जंक फूड के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, एक बैलेंस संतुलित आहार अगर आप रखते हैं, तो आप अलग अलग प्रकार की बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही में ये वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि बैलेंस फूड लीड्स टू बैलेंस मेंटल लाइफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।